असलामुअलैकुम टीम है वीडियो चार्ज करके अच्छे ऑनलाइन लेक्चर जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी से चार्ज करेंगे टेक्सिकेशन के बड़ा था हमने कल चैप्टर कर लिया हुआ था हाल ही में तक लेकिन चैप्टर स्टार्ट करना विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम की साफ सिंपली आपने पहले भी ये देख लिया हुआ है कि एटम जो होता है उसमें क्या होता है दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके ग्रुप क्या मिली होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड में और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली हमारे पास ये एटम की साख है जो कि हमें पता है। अब ये कैसे डिस्कवर हुई सबसे पहले जो है एटम यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री करेंगे जो साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने किया होगा फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डेमोक्राइटस डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा मैटर जो है मादा को कहा जाता है और मादा वो चीज़ होती है जो जगह लेती है बदलने लगती है। अब कोई भी चीज़ है कोई पानी है चेयर है कोई भी सॉलिड है डोर है कोई भी चीज़ है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये मिलके क्या बना देते हैं पार्टिकल्स ये मिलके क्या बना देते हैं एक कंप्लीट एटम और ये एटम्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं पूरा का पूरा मैटर बना देते हैं। डेमोक्राइटस ने क्या कहा इसको दोबारा से ओवरव्यू ले कि मैटर जो है मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको एटम कहा जाता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है एटम का मतलब क्या है बेसिकली एटम जो है वो वर्ड एटमोज एटमोज एक लैटिनी वर्ड है एटमोज जिसका मतलब ए का मतलब होता है नॉट नहीं और टॉम्स का मतलब होता है कट जिसको हम लोग मज़ीद कट नहीं कर सकते। देखें आप कोई भी चीज़ बहुत छोटी सी तोड़ ले छोटी सी बिल्कुल पीसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बैंगल की एग्जांपल दूँ तो ये बैंगल है चूड़ियाँ जो होती हैं आप इसको तोड़ना शुरू करो एक टाइम वो आएगा जब ये इतना छोटा हो जाएगा हम उसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते बिल्कुल एक छोटा सा ज़रा सा बन जाएगा अब इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दी जो हम देख रहे होते हैं लेकिन एटम तो बेसिकली हमें नज़र भी नहीं आ रहा जो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही तो आप ख़ुद सोचें उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो डेमोक्राइटस ने सबसे पहले ये कहा था कि मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। उसके बाद 20th सेंचुरी में जो है वो जॉन डाल्टन आया जॉन डाल्टन ने आकर ये कहा कि जी जितने भी मैटर हैं जो मादा है उसने भी यही चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि वो इंडिविजुअली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उनको एटम कहा जाता है। इसने सिंपली कहा था मैटर जो है वो इससे बना होता है इसने कह दिया जितने भी मैटर का मतलब है वो सॉलिड हो सकते हैं लिक्विड हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं गैसेस भी हो सकती हैं कुछ भी पार्टिकल्स हैं आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और उनको क्या कहा जाता है एटम कहा जाता है। और उसके बाद इसने आगे से थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि जो हमारे पास एटम होता है वो हार्ड होता है मतलब सख्त होता है इंडिविजिबल मतलब इसको नाकाबले तकसीम मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया डेंस मतलब गाढ़ा जो सख्त है वो गाढ़ा भी होगा और जो सख्त है उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता ठीक है और है भी छोटा सा। तो इसने इसकी ये प्रॉपर्टीज़ बता दी थी कि एटम जो होता है वो क्या होता है मैटर जितने भी होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको क्या कहा जाता है एटम और एटम हार्ड होता है इंडिविजिबल होता है और डेंस होता है सख्त होता है नाकाबिल तकसीम होता है और गाढ़ा होता है। और फिर यहीं पर उसने ये कहा हुआ है कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये मिलके क्या बना देते हैं कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पर आपके ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ज़्यादातर जॉन का अक्सर पूछ रहे होते हैं अदरवाइज़ आपने ये याद रखना है कि डेमोक्राइटस जो है उसने सबसे पहले ये बताया था कि मैटर जो है वो कंपोज होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से और उन पार्टिकल्स को उसने एटम का नाम दिया। और सेकंड पे जॉन डाल्टन आया जिसने ये बताया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है और वो छोटे पार्टिकल्स सख्त भी होते हैं उनको तकसीम भी नहीं किया जा सकता वो गाढ़े भी होते हैं और वही पार्टिकल्स जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं कंपाउंड बना देते हैं। फर्दर और भी साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन था उसके बाद जे थॉमसन था रदरफोर्ड था बोहर एटॉमिक मॉडल था ये मज़ीद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जॉन डाल्टन ने ही जो है वो एटॉमिक थ्योरी दी थी सबसे पहले इसने एटॉमिक
एक थ्योरी दी थी, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको दोबारा देख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, जिसमें एक एटम और एटम के अंदर जो है बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये ओवरव्यू था उसका। उसके बाद हिस्ट्री में हमने आज दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि एक था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने कहा था कि मैटर जो है वो कंपोज होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको एटम कहा जाता है, और एटम का मतलब ये है कि हम इसको ब्रेक डाउन कट नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते। और सेकेंड जॉन डाल्टन ने ये कहा था जितने भी मैटर हैं, जितने भी पार्टिकल्स या मैटर इस दुनिया में प्रेजेंट है, मादा जो भी है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड है, गैस है, ये सारे का सारा बना होता है छोटे छोटे इंडिविजुअली पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि सख्त भी होते हैं, उनको तकसीम भी नहीं किया जा सकता, और ये डेंस भी होते हैं, और यही एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा आपके पास क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। और बाकी साइंटिस्ट और भी हैं जिन्होंने एटम के ही ऊपर काम किया, गोल्डस्टीन था, जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, और बोहर। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।